नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गैजेट C60 हिंदी पे। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा। और आपके जो ब्राउजर्स होते हैं ना, उसमें बड़ा सारा डेटा होता है भाई। जितनी वेबसाइट आपने विजिट करी, जितने पासवर्ड आपके स्टोर्ड है, जहां इवन जो आपने लेटेस्ट जो वीडियोस देखी होंगी, वो तक उस ब्राउजर के कैश में स्टोर्ड होगा। अब भाई ये जो डाटा है ना, ये समय के साथ जमा होता जाता है और आपके ब्राउजर के अंदर कैश, कुकीज, हिस्ट्री जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो उसको टाइम टू टाइम क्लियर करना बड़ी अच्छी बात होती है, उससे कंप्यूटर आपका फास्ट बना रहता है। पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये कैश और कुकीज है क्या? भैया ये वो वाली कुकीज और वो वाला कैश नहीं है, ये कुछ और है। तो आइए जरा कुकीज पे थोड़ी सी दृष्टि घुमाते हैं। जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा एक कुकी का पॉपअप आता है, जो कि आपको पूछता है कि भैया आप सारी कुकीज को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। और ज्यादातर हम लोग एकदम अंधाधुंध रूप से उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और तेजी से आगे बढ़ जाते हैं उस साइट को चेक करने के लिए जिसको हम विजिट कर रहे हो। ये जो कुकीज है, ये फाइल्स है जो कि उन साइट्स द्वारा बनाई जाती है जिनको आप विजिट करते हैं, या आपको आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रैक करते हैं ताकि आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस आसान हो। और ये आपका ब्राउजिंग डेटा भी सेव रखते हैं, जैसे आप किसी वेबसाइट को ब्राउज या रिविजिट कर रहे हो तब। अब कैश जो है वो भैया कुछ कुछ हिस्से जो होते हैं ना पेजेस के, उनको रिमेम्बर रखता है और वो ब्राउजर को मदद करता है उस पेज को फास्ट खोलने में अगली बारी जब आप उसको खोलेंगे तब। और ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वो उन वेबसाइट्स की लिस्ट है जिनको आपने हाल ही में भूतकाल में विजिट किया हो। तो अगर आप इस डेटा को प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो आप अपनी हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। ये आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्टेड रखने में मदद करेगा। पर अगर आप अपनी हिस्ट्री को रिटेन रखना चाहते हैं, तो उसको डिलीट ना करें। और जब आप अपने ब्राउजर के कैश और कुकीज को क्लियर करते हैं ना, तो भैया आप बड़ी सारी जगह खाली कर देते हैं और आपका सिस्टम थोड़ा सा फास्ट भी हो जाता है। तो आइए जरा इस प्रोसेस पे दृष्टि डालते हैं कि अलग अलग ब्राउजर्स में ये कैसे करना होता है। और अगर आप गैजेट C60 हिंदी पे नए हैं, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हम जरा शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले है गूगल क्रोम, जो कि बहुत ही ज्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। क्रोम को खोलिए अपने पीसी पे और क्लिक कीजिए 3 डॉट्स पे जो कि अपर राइट कॉर्नर पे दे रखे हैं। फिर सेलेक्ट कीजिए मोर टूल्स को और क्लियर ब्राउजिंग डेटा को सेलेक्ट कीजिए। अब भैया इस बात की जरूर पुष्टि कर लीजिए कि आज जो बॉक्सेज है सारे वो टिक्ड है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज, अदर साइट डेटा। और आप जा सकते हैं बेसिक सेटिंग्स में ताकि आप रीचेक कर सके और क्लिक कीजिए टाइम रेंज के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे। अब आप चूज कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से एक टाइम रेंज। पर अगर आप सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, तो चूज कीजिए ऑल टाइम और फाइनली क्लिक कर दीजिए क्लियर डेटा बटन पे और ये हो जाएगा। अब अगला है सफारी। अगर आप सफारी का प्रयोग करते हैं, तो जाइए टॉप मेन्यू पे, सेलेक्ट कीजिए हिस्ट्री को और फिर क्लियर हिस्ट्री कर दीजिए। अब सेलेक्ट कीजिए टाइम पीरियड को जो कि आपको क्लियर करना है और फिर क्लिक कीजिए क्लियर हिस्ट्री पे। या फिर अगर आप अपने आईफोन पर हैं, तो टैप कीजिए बुकमार्क्स आइकन को बॉटम पे स्क्रीन के और वो एक खुली हुई किताब जैसा दिखाई देता है। फिर क्लिक कीजिए हिस्ट्री आइकन पे जो कि क्लॉक के जैसा दिखाई देता है और टैप कीजिए क्लियर बटन पे और अपना टाइम पीरियड भी चूज कर लीजिए। अब अगर आप फायरफॉक्स पे हैं, तो क्लिक कीजिए हैमबर्गर मेन्यू पे टॉप राइट कॉर्नर पर, सेलेक्ट कीजिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन लेफ्ट पैनल से। फिर स्क्रॉल कीजिए नीचे कुकीज एंड साइट डेटा पे और आप चेक कर दीजिए बॉक्स को जो कहता है डिलीट कुकीज एंड साइट डेटा व्हेन फायरफॉक्स इज क्लोज्ड, और फिर क्लिक कीजिए क्लियर डेटा पे। अब भैया अगली बार जब आप अपने ब्राउजर को खोलेंगे पीसी पे, तो आपको हर जगह वापस लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुकीज तो सारी डिलीट कर दी हैं। पर सच्चाई तो यह है कि आपका सिस्टम जरूर थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, इवन आपका ब्राउजर थोड़ा सा फास्ट चलने लगेगा, तो वर्थ इट है भाई। और अगर आपने 1-2 साल से कुकीज, कैश, हिस्ट्री नहीं क्लियर करी है, तो भैया ब्लोट बहुत ज्यादा हो चुका होगा, आपके ब्राउजर का साइज बहुत बड़ा हो चुका होगा। और जब आप ये सब कर देंगे, तो सिस्टम में भी थोड़ी सी जान और आ जाएगी और ब्राउजर भी थोड़ा सा और स्नैपी सा हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। क्या आपने अपनी हिस्ट्री पिछले कुछ समय में क्लियर करी थी कि नहीं, मुझे बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।